देखिए, जब आपको 18वीं लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तो 18वीं लोकसभा के चुनाव के दौरान कुछ राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी हुए हैं, कुछ राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी हुए हैं। तो 18वीं लोकसभा चुनाव के दौरान कुछ राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं उसको लेकर अभी के सेशन में सबसे पहले हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। 18वीं लोकसभा चुनाव के दौरान कुल 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए थे और जो 4 राज्य में विधानसभा के चुनाव हुए हैं वो 4 राज्य है, आंध्र प्रदेश, एक है आपको आंध्र प्रदेश, दूसरा है आपको ओडिशा, तीसरा है आपको अरुणाचल प्रदेश और चौथा है आपको सिक्किम, चौथा है आपको सिक्किम। इन 4 राज्यों में 18वीं लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा के चुनाव भी हुए हैं। इन 4 राज्यों में 18वीं लोकसभा के चुनाव के साथ साथ विधानसभा के चुनाव भी हुए हैं। अब जैसे कि आपने जाना है कि जो 18वीं लोकसभा का चुनाव है, 18वीं लोकसभा का चुनाव 7 चरण में हुए थे, 7 अलग अलग डेट में 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे। उसी प्रकार से अगर इन राज्यों में विधानसभा के चुनाव की अगर हम लोग बात करें तो ओडिशा को छोड़कर अन्य जो 3 राज्य है, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इन 3 राज्यों में चुनाव विधानसभा के सिर्फ 1 चरण में हुआ, 1 चरण में हुआ। वही ओडिशा में विधानसभा के चुनाव भी 4 चरण में हुए, ओडिशा में विधानसभा के चुनाव 4 चरण में हुए। और इन राज्यों में अगर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 175 है, ओडिशा में विधानसभा सीटों की संख्या 147 है, सिक्किम में विधानसभा सीटों की संख्या 32 है और अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 60 है। अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 60 है, 60 है, 60 है। और जैसे लोकसभा के चुनाव में आपने पढ़ा होगा कि सरकार बनाने में वह पार्टी या वह गठबंधन सक्षम होता है जो कुल सीट का 50% से अधिक सीट जीतता है। उसी प्रकार से राज्यों में सरकार बनाने में वो पार्टी सक्षम हो पाती है जो कुल विधानसभा सीट का 50% से अधिक सीट जीतती है। तो अगर आप देखेंगे आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में सरकार बनाने के लिए, यानी आंध्र प्रदेश में सरकार बनाने के लिए 175 में से 88 सीट किसी भी पार्टी को चाहिए। फिर ओडिशा में अगर देखा जाए तो ओडिशा में जो है आपको 74 सीट चाहिए था और फिर सिक्किम में अगर देखा जाए तो 17 सीट चाहिए था और फिर अरुणाचल प्रदेश में अगर देखा जाए तो 31 सीट चाहिए था। तो इस चुनाव में अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में सरकार बनाने में सफल तेलुगु देशम पार्टी रही है, तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी, और टीडीपी को इस चुनाव में 175 में से 135 सीट मिला है, 175 में से 135 सीट मिला। और वहीं ओडिशा की अगर हम लोग बात करें, ओडिशा में सरकार बनाने में सफल बीजेपी रही है, भारतीय जनता पार्टी रही है, बीजेपी रही है और बीजेपी को 147 में से 78 सरकार बनाने के लिए चाहिए 74 और बीजेपी को अकेले मिला है 78। तो ओडिशा में सरकार बनाने में सफल बीजेपी रही है और पहली बार ओडिशा में बीजेपी की सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली बार ओडिशा में बनी है। और ओडिशा ने एक प्रकार से कहिए
तो मोदी जी का लाज बचा लिया और ओडिशा में लोकसभा सीट 21 था, 21 में से 20 लोकसभा सीट बीजेपी जीता है यहां पर। और यही वजह है कि हमारे मोदी जी जय श्री राम के जगह जय जगन्नाथ का नारा लगाए, जगन्नाथ मंदिर ओडिशा में ही है, समझे। इसके बाद जो सिक्किम है, सिक्किम में SKM सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, सिक्किम में SKM सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा 32 में से 31 सीट जीता है, 32 में से 31 सीट सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा जीता है, यानी क्लीन स्वीप किया। और एक सीट मिला SDF को, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट SDF को एक सीट मिला है। तो यहां पर SKM नामक पार्टी जो है सत्ता में आई है। और फिर अरुणाचल प्रदेश की अगर आप बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में 60 के जगह मात्र 50 सीट पर चुनाव हुए, क्योंकि 10 विधानसभा सीट पर निर्विरोध लोग चुनाव जीत गए, निर्विरोध चुनाव जीत गए, तो मात्र 50 सीट पर चुनाव हुए। और कुल 60 सीट में से 46 सीट जो है आपको बीजेपी को मिला अरुणाचल प्रदेश में। इस प्रकार अरुणाचल प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार बनी, यानी कहने का मतलब यह हुआ दो राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी पूर्ण बहुमत के साथ। और जो दो राज्यों में बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनी है वह है आपको ओडिशा और दूसरा अरुणाचल प्रदेश। अब बाद बाकी जो दो राज्य है यहां पर क्षेत्रीय पार्टी का दबदबा रहा है, सिक्किम में SKM और आंध्र प्रदेश में TDP, सिक्किम में SKM और आंध्र प्रदेश में TDP की सरकार बनी है। और फिर इन राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति की गई, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त TDP प्रमुख चंद्रबाबू नायडू को किया गया, और चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ वहां के राज्यपाल S. अब्दुल नजीर ने दिलाया। फिर आपको ओडिशा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को बनाया गया है, मोहन चरण मांझी, और ओडिशा के राज्यपाल है रघुवर दास। ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास ने मोहन चरण मांझी को ओडिशा के नए मुख्यमंत्री के तौर पर जो है शपथ दिलाने का काम किए। फिर आपको सिक्किम, सिक्किम में पहले भी SKM की सरकार ही थी, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा की ही सरकार थी, और यहां के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग थे, वही लगातार दूसरी बार जो है आपको सिक्किम के मुख्यमंत्री जो है आपको बने। और प्रेम सिंह तमांग को वहां के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाने का काम किए। और फिर अरुणाचल प्रदेश के इससे पहले मुख्यमंत्री पेमा खांडू ही थे, और पेमा खांडू ही फिर से अरुणाचल प्रदेश के जो है आपको मुख्यमंत्री बने। और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू को मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाने का काम वहां के राज्यपाल KT परनायक ने किया। तो कुल मिलाकर के हमने आपको इस बात से अवगत करवाया है कि 18वीं लोकसभा चुनाव के साथ साथ जो भारत के चार अलग अलग राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए हैं वहां पर किस पार्टी की सरकार बनी, कौन नए मुख्यमंत्री बने, और वर्तमान में वहां के राज्यपाल कौन है, इन बातों से हमने आपको अवगत कराया है। तो इन चीजों को भी आप याद रखेंगे, करेंट सिनेरियो में यह भी घटना घटित हुई है तो इसको भी जो है आपको याद रखना है। एक बात समझिए, आप जानते हैं भारतीय संविधान में मूल तौर पर 395 अनुच्छेद है, और 395 अनुच्छेद में से एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 170 अनुच्छेद 170 क्या कहता है पता है? अनुच्छेद 170 यह कहता है राज्यों के विधानसभा में कम से कम, राज्यों के विधानसभा में कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 विधानसभा सीट होगा। लेकिन सिक्किम राज्य के विधानसभा में मात्र 32 गो सीट है, मतलब सिक्किम राज्य पर अनुच्छेद 170 लागू नहीं होता है, सिक्किम राज्य अनुच्छेद 170 का अपवाद है, और सिक्किम ही नहीं बल्कि मिजोरम और गोवा भी अपवाद है, सिक्किम के साथ साथ मिजोरम और गोवा भी अपवाद है।
क्योंकि मिजोरम में भी मात्र 40 विधानसभा सीट और गोवा में भी मात्र 40 विधानसभा सीट है। और इन सभी राज्यों में कम विधानसभा सीट का मूल कारण क्या है पता है? इन राज्यों में विधानसभा सीट के कम होने का मूल रीजन है वहां की कम जनसंख्या का होना। वहां की कम जनसंख्या का होना जो है आपको मूल कारण है। सिक्किम का जनसंख्या मुश्किल से 7-8 लाख के आसपास है, समझ गए? देखिए अब जो है एक सूचकांक देख लेते हैं, एक पुरस्कार देखते हैं। तो सूचकांक में जो है आप हेडिंग मारिए यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक, यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक। देखिए आइएगा समझिएगा, हेडिंग मारना लिए आइए समझिए। देखिए पर्यटन इनकम का एक स्रोत माना जाता है, पर्यटन जो होता है वह इनकम का एक स्रोत माना जाता है। जैसे होता क्या है कि अगर आप कहीं भी घूमने जाते हैं, अगर आप कहीं भी घूमने जाते हैं, जैसे मान लिया जाए कि आप भारत का पड़ोसी राष्ट्र नेपाल घूमने गए, नेपाल, नेपाल जाना आसान भी है, यहाँ जाने के लिए कोई वीजा उजा नहीं लगता है, समझे? और नेपाल एक पर्वतीय राज्य है। जब आप नेपाल जाइएगा ना बाय रोड, तब ये बात आपको समझ में आएगा कि नेपाल एक पर्वतीय राज्य है। पर्वत ही पर्वत है, पहाड़ है, कभी आप पहाड़ के ऊपर रहिएगा, कभी पहाड़ के नीचे रहिएगा, कभी पहाड़ के बीच में रहिएगा, समझे? तो जैसे आप मान लिया जाए कि नेपाल घूमने गए, तो नेपाल में भारतीय रुपया थोड़े चलता है, नहीं चलता है, नेपाल में नेपाली चलता है, नेपाली रुपया चलता है, और आपको जो है एक्सचेंज करवाना पड़ता है। आप खर्च तब कर पाएंगे जब आप भारतीय रुपया को नेपाली में एक्सचेंज कर लेते हैं। तो आप अगर नेपाल गए घूमने, तो आप वहाँ पर जो है होटल लीजिएगा, फिर किसी मंदिर में दर्शन करने जाइएगा, तो वहाँ पर प्रसादी सब लीजिएगा, किसी होटल में आप खाइएगा, तो इससे जो है एक प्रकार से कहिए देश को फायदा होता है, देश को इनकम होता है, देश को इनकम होता है। तो जैसे भारत ही जो विदेशी आते हैं लाल किला घूमने या फिर ताजमहल घूमने या भारत में जो भी है, तो उससे भारत को फायदा होता है। तो यह जो सूचकांक है, यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच नामक संस्था के द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है। यह सूचकांक मई 2024 में जारी हुआ है, लेकिन इससे पहले यह सूचकांक 2021 में जारी हुआ था, और 2021 के बाद सीधे यह सूचकांक जो है आपको 2024 में जारी हुआ। यह सूचकांक जो है आपको विश्व आर्थिक मंच नामक संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। हाल में यह सूचकांक मई 2024 में जारी हुआ है, और इससे पहले यह सूचकांक 2021 में जारी हुआ था। तो काफी लंबे अंतराल के बाद यह सूचकांक जारी हुआ है। इस सूचकांक में टोटल 119 देश को शामिल किया गया है, और जो 119 देश को शामिल किया गया है उसमें भारत का स्थान है 39वां, भारत का स्थान 39वां है। इस सूचकांक में जो पहला स्थान है अमेरिका है, अमेरिका है। दूसरा स्थान स्पेन है, यहां पर है यूरोप महादेश में स्पेन, और तीसरा स्थान पर है आपको जापान, तीसरा स्थान पर है आपको जापान। तो इस सूचकांक में पहला स्थान अमेरिका, दूसरा स्थान स्पेन और तीसरा स्थान जापान, तीसरा स्थान जापान, और भारत का रैंकिंग जो है आपको 39वां रैंक है भारत का। और वही जो अंतिम स्थान 119वां स्थान की अगर आप बात करेंगे, तो अफ्रीका महादेश का एक देश है आपको माली, माली यहां पर है, माली को अंतिम स्थान जो है आपको मिला है। चलिए
आगे आगे हेडिंग मारिएगा अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले बड़े पुरस्कारों में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार का भी नाम आता है। यह पुरस्कार 2005 से दिया जाना प्रारंभ हुआ है और इस पुरस्कार के अंतर्गत इनाम के तौर पर पचास हजार पाउंड जो है आपको दिया जाता है। और 2024 का जो ये पुरस्कार है, जर्मन की एक महिला साहित्यकार जेनी एपर्न बेक को दिया गया है। जर्मनी यूरोप महादेश में पड़ता है, यहां पर है आपको जर्मनी की एक महिला साहित्यकार है, उसका नाम है आपको जेनी एपर्न बेक को जो है यह पुरस्कार दिया गया है। और जेनी एपर्न बेक को यह पुरस्कार, उनकी रचना केरोस, साहित्य का नाम केरोस है, उनकी रचना केरोस को लेकर के दी गई है। और जो केरोस नामक साहित्य है, आपको जर्मनी में एक बर्लिन का दीवार है, जर्मनी के बर्लिन के दीवार के टूटने के पहले की घटना को लेकर वह किताब लिखी गई है। और उस किताब में जो है एक युवती और एक वृद्ध व्यक्ति का कहानी जो है उस किताब में है और उसी को लेकर जो है यह पुरस्कार दिया गया है। केरोस नामक साहित्य को लेकर ही यह पुरस्कार जेनी एपर्न बेक नामक महिला को दिया गया है। और इस किताब का अनुवाद जो है आपको माइकल हॉफमैन ने जो है इस किताब का अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो फिर इस पुरस्कार के अंतर्गत जो 50,000 पाउंड इनाम की राशि के तौर पर दी जाती है, आधा आधा 50-50% जो है दोनों को बांट दिया गया, समझ गए। तो मुख्य तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसे मिला है, इस बात को याद रखना आपके लिए आवश्यक है।